नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह तीसरी संख्या 36 है मित्रों, 36। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह तीसरी संख्या 36 है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस, एनडीएस, डीएसएसबी, पीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी पीजीटी, पीजीटी के लिए यह श्री रामबाण है, यूजीसी नीट के लिए भी रामबाण है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, ठीक है। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, मिलान करना है। गढ़वाल जो वंश था वह कन्नौज का वंश था। चौहान जो होते थे अजमेर में रूल करते थे। परमार कहाँ रूल करते थे? मालवा में। थोड़ा इसमें गैप होना चाहिए था। तो ये कुल मिलाकर कौन सही सम्मिलित है, कौन सही सम्मिलित है? तो मैं कहना चाहूंगा 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प डी। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इसमें महत्वपूर्ण थे कन्नौज के गढ़वाल वंश, मालवा के परमार वंश, अजमेर के चौहान वंश। इसमें गढ़वालों ने पालों को बिहार से निकाल दिया था, चौहानों ने गुजरात, पंजाब और दिल्ली पर अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। प्रश्न 12, प्रश्न 12 देखिएगा। 8वीं से 12वीं सदी का काल उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का काल था, सही है। इस समय मंदिर निर्माण हेतु नागर शैली प्रचलन में थी, यह भी सही है, यह भी सही, दोनों बातें सही है। मतलब उत्तर भारत में जो था नागर शैली था, मंदिर निर्माण शैली। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। नागर शैली की प्रमुख विशेषता है गर्भगृह या देउल। गर्भगृह को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? देउल कहा जाता है, ठीक है। तो नागर शैली की प्रमुख विशेषता जो होती है उसकी गर्भगृह होती है, जो इसका वर्गाकार गर्भगृह होता है वही नागर शैली की प्रमुख विशेषता होती है, जिसे देउल भी कहते हैं। इसकी छत गुंबद नुमा बनी होती है। मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार होता था, उसकी प्रत्येक भुजा से लगातार कक्ष बनाए जाते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप भी बनाया जाता था। मंदिर चारदीवारी से घिरा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े सिंह द्वार बने होते थे। इस शैली में खजुराहो और भुवनेश्वर के मंदिर भी बने हुए हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गर्भगृह में देउल इसकी विशेषता थी। देउल का मतलब होता है गुंबदनुमा छत, जिसको देउल कहते हैं। तो गर्भगृह में देउल इसकी विशेषता थी। गर्भगृह के सामने मंडप बने होते थे, यह भी सही है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। नागर शैली की प्रमुख विशेषता है गर्भगृह और देउल, जिसे कच्छ भी कहते हैं। इसकी छत जो होती है गुंबद नुमा बनी होती थी। मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार बना होता था। प्रत्येक भुजा से लगातार कक्ष बनवाए जाते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप बनाया जाता था। मंदिर चारदीवारी से घिरा होता था, जिस पर बड़े बड़े सिंह द्वार बने होते थे। इस शैली में खजुराहो और भुवनेश्वर के मंदिर बने हैं। अब ये पूछ सकता है खजुराहो के मंदिर या भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है किस मंदिर निर्माण की शैली है? तो नागर शैली में बना हुआ है। प्रश्न 14 देखिएगा, 11वीं सदी में बने उत्तर भारत के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। 11वीं सदी की बात हो रही है, 11वीं सदी में उत्तर भारत के जो मंदिर थे वह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा देखिएगा, यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, यह मंदिर कई गाँवों पर शासन करते थे, व्यवसायिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। 11वीं सदी में बने उत्तर भारत के मंदिरों में अत्यधिक विस्तार और अलंकरण दिखाई देता है। यह मंदिर इस काल में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बने हुए थे। इस मंदिर ने अपूर्व संपत्ति अर्जित कर ली थी। सोमनाथ मंदिर इसका उदाहरण है। यह मंदिर कई कई गांवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। प्रश्न 15 देखिएगा, माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो माउंट आबू पर स्थित जो जैन मंदिर था इसको बनवाने वाले कौन थे? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, वस्तुपाल विमल शाह। तो वस्तुपाल थे, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम का मंत्री वस्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था। इसने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया और माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा की जैन मंदिर को बनवाया था। महमूद बिन साम की भारत आक्रमण। प्रश्न 16 देखिएगा, मोहम्मद बिन साम, ये मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गौरी का ही एक और नाम है।
तो मोहम्मद बिन साम के भारत आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसने गोमल दर्रे को पार करके मुल्तान और उच्छ को जीत लिया। सही है, गोमल दर्रे के साथ आया था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, उसे गुजरात में हार का सामना करना पड़ा। भीम दोदूती ने पहली बार में उसे बहुत हराया था, अच्छी तरीके से हराया था। प्रश्न सी देखिएगा, उसने बंगाल विजय से आंतरिक संसाधन और विदेशी व्यापार के अधिकार मिले। बिल्कुल, वन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, मतलब मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद बिन साम के बारे में। उसकी सेना में मोहम्मद गोरी भी शामिल था, तो मोहम्मद गोरी का ही नाम मोहम्मद बिन साम है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, विकल्प डी। आपका में कौन सा कथन असत्य है? तो केवल डी। ठीक है, व्याख्या देखिएगा, मोहम्मद बिन साम ने 1173 में भारत पर आक्रमण किया था। उसकी सेना में बख्तियार खिलजी शामिल था, मोहम्मद गोरी नहीं। खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध बिहारों को अपना लक्ष्य बनाया, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला बिहार भी शामिल है। तो उसने इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। ठीक है, प्रश्न 17 देखिएगा, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? चंदावर का युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान नहीं जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच में लड़ा गया, विकल्प ए। ठीक है, व्याख्या देखिएगा, 1192 में मोहम्मद बिन साम ने तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी और वापस गुजरी लौट गया तथा अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जीता हुआ राज सौंप गया। 1194 में शाम फिर भारत लौटा और यमुना नदी पार करके कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से जमकर युद्ध किया, जिसमें जयचंद की हार हुई। अतः चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच में लड़ा गया था। चंदावर वर्तमान में कहाँ है? फिरोजाबाद जिले की यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, 1194 में यह युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न 18, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 और तराइन का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192, तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। सन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ाया गया था, जो भारतीय इतिहास का नया मोड़ देने वाला लड़ाई माना जाता है, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। प्रश्न 19 देखिएगा, तराइन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हांसी सरस्वती और शामाना के किलों पर कब्जा कर लिया। हांसी सरस्वती और शामाना के किलों पर कब्जा कर लिया, सही है। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया। इस युद्ध के बाद ये भी सही है, देखिए ये वन भी सही है और टू भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? वन एंड टू दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने सरस्वती के निकट पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, हांसी सरस्वती और शमाना के किलों पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर शासन करने दिया, क्योंकि उसकी जानकारी लड़ाई के बाद मिले सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज और उसकी तिथि का उल्लेख है, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। ठीक है, एक ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें मोहम्मद बिन साम भी लिखा है और पृथ्वीराज भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हार के बाद भी अजमेर में कुछ समय तक शासन किया था। प्रश्न 20, किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने, किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने नहीं, पृथ्वीराज द्वितीय ने भी, भीम द्वितीय ने, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक भीम देव द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट गोरी से मुकाबला किया और उसे पराजित किया। यह गोरी की पहली पराजय थी। प्रश्न 21 देखिएगा, मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गोरी ने भारत में अंतिम आक्रमण जो किया था वो खोखर जाति के विरुद्ध में किया था, खोखर जाति के विरुद्ध में किया था, बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, पश्चिमी पंजाब के युद्ध में परंपरागत खोखर जात ने जब गौरी के विरुद्ध विद्रोह करके लाहौर और गजनी के बीच संचार मार्ग बंद कर दिया, तो खोखरों को सबक सिखाने के लिए गौरी ने 1206 में खोखरों पर आक्रमण किया। इसमें खोखरों की हार हुई, यह गौरी की अंतिम आक्रमण था। प्रश्न 22 देखिएगा, 12वीं सदी के अंत में मध्य एशिया का वह कौन सा शासक था जिसने भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जो बाद तक कायम रही? तो वह था मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी। ठीक है, विकल्प सी।
मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम 1176 में मुल्तान और गुजरात पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1206 में उसका अंतिम आक्रमण कुफर जात के विरुद्ध था। इस बीच उसने भारत के कई इलाकों पर आक्रमण करके वहां के शासकों को पराजित करके शासन किया। भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था को भी स्थापित किया जो बाद तक कायम रही। हिंदू शाही शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पेशावर और पंजाब पर राज करने वाले शासक थे। हिंदू शाही शासक जो थे पेशावर और पंजाब पर राज करने वाले शासक थे। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा देखिए, कौन इन्होंने शाम के साथ मिलकर गजनी पर आक्रमण किया था? कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको, इसका देख लेते हैं। विकल्प सी मतलब 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। स्पष्ट नहीं हो रहा है यह, लेकिन यह दोनों बातें सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उसमें। देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। हिंदू शाही शासकों ने पेशावर से लेकर मुल्तान, पंजाब और अफगानिस्तान तक स्वागत किया। उन्हें यह आभास हो गया कि गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना उनके लिए खतरा है। इन शासकों ने राजा जसपाल सामनियों के साथ मिलकर गजनी पर आक्रमण किया, हालांकि उसे हार का भी सामना करना पड़ा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और यह जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2500 क्वेश्चन की मार्केट टेस्ट है, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।